अस्सलामुअलैकुम, हम तुम डिजिटल पर मैं हूं इम्तियाज शाद। आज आपके सामने फलों के बादशाह आम के बारे में बात करना चाहूंगा। हर तरफ आम ही आम है और आम आम हो चुका है। लोग जो हैं वो दड़ादड़ खरीद रहे हैं और वो खा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये आम का सीजन है और आम जो है वो कोई एक अंदाज से नहीं खाया जाता। आम को लोग मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का आम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। पाकिस्तान के आम की इंतहाई लज्जत और खूबसूरती जो है वो ये है कि पाकिस्तान का आम जो है वो दीगर ममालिक के अंदर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में आम के बेहतरीन बागात मौजूद हैं और आम की कई अकसाम मौजूद हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लोग जो है वो आम को किस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। आम जो है वो हमारे घरों में आम तौर पर अचार की शक्ल में खाया जाता है। लोग जो है वो इसका अचार डालते हैं। उसके साथ साथ आम जो है उसको जूस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी मिल्क शेक की शक्ल में भी, आइसक्रीम के अंदर भी डालकर खाया जाता है। आम जो है वो उसको काट कर भी खाते हैं और आम जो है वो बड़े मजे ले लेकर जो लोग हैं वो चूस कर भी खाते हैं। तो ये आम खाने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। बहरहाल वो बकौल गालिब जो है वो आम मीठा होना चाहिए और वाफिर मिकदार में होना चाहिए, फिर आम खाने का मजा है। तो हर तरफ बाजारों के अंदर जो है वो आम जो है वो आपको नजर आएंगे, ठेलों के ऊपर, रेडियो के ऊपर छाबड़ी वाले लेकर फिर रहे होंगे और आम सस्ता भी दस्तियाब है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आम के मजे लीजिए, मैंगो पार्टियां कीजिए और दोस्तों को दावत दीजिए, क्योंकि आम के साथ जो है बहरहाल कच्ची लस्सी का इस्तेमाल जो है वो दूध वाली नमकीन लस्सी का इस्तेमाल बड़ा जरूरी है और वो लोग शौक से करते भी हैं। आम खाने के लिए सबसे पहली बात जो है वो ये मद्देनजर रखनी चाहिए कि आम मीठा होना चाहिए और दूसरी बात जो है वो बकौल गालिब ये मद्देनजर रखनी चाहिए कि आम वाफर मिकदार में होना चाहिए। आप अगर वाफर मिकदार में और मीठे आम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर साथ कच्ची लस्सी जो है वो उसको यकीनी तौर पर आप इस्तेमाल कीजिएगा। आम के तबीयी बहुत तरफ फायद हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि आम जो है वो इंसान को मुतहर्रिक रखता है, चुस्त रखता है और गर्मी के मौसम में आम का खाना जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। तो तमाम दोस्त जो है वो आमों की महफल सजाइए, आम जो है वो दोस्तों को तोहफतन पेश कीजिए और आम जो है वो लोगों को खिलाने के लिए अपने यहाँ मधु कीजिए। बहुत शुक्रिया। आज हमारा मकसद ये था कि ये मौसम आम का है, आम हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने आम की नेमत से नवाज रखा है और आम में हम खुद कफील मुल्क करार पाए हैं, तो इसलिए आम खाइए, दोस्तों को भी दावत दीजिए और अगर फुर्सत मिले तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें आम खाने के लिए भी मदद कर सकते हैं। हम हमतन हर वक्त जो है वो हाजिर हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है अगर किसी ने आम खाने हो तो वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हम भी उन्हें आम खिला सकते हैं। तो हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। हम इसी तरह आपके सामने बहुत सारी चीजें और भी लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।